की घंटी ने बोला ट्रिंग ट्रिंग, आप सभी को भारती का गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दो दिन से ना भाई कुल हल्की फुल्की वाली ठंडी ठंडी बूंदा बूंदी बारिश हो रही है और जिसके कारण ठंडी भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। और हाँ भाई, एक राज की बात बताती हूँ आप सभी को, किसी को बताना मत, कोई देख तो नहीं रहा है। इसी ठंडी के कारण मैंने ना दो दिन से नहीं नहाया था। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। लेकिन आज सुबह उठते ही पहले नहाकर बिल्कुल रेडी हो गई चिट्टी राम है, वो तो मस्त आराम से सो रही है घोड़े बेचकर। सुबह के 7 बजने वाले हैं, मेरे घर के कुंभकर्णों का कोई ठिकाना नहीं है। देखो सब के सब रजाई ओढ़कर घोड़े बेचकर सो रहे हैं। जरा छोटोरा कहीं का टकलू दादा, चलो उठो चलो उठो। देखो पापा भी सो रहे है, छोटकी टकली भी सो रही है, ब्रश भी किया है, सड़ेला जैसा भू भक रहा है। चलो मुन्नू, देखो पापा को मुन्नू बना लिया। देखो फाइनली उठ गया गधे कहीं का टकलू दादा। तुम्हारी दोस्तों जैकेट पहन के किसके डोले सोले पर जाते है भाई, इतना कुछ तो पहना हुआ है, अब कितना डालेगा ऊपर से। क्या चाहिए भाई, मेरी बागे पूरी करो, मेरे को बुर बुरे दो, कुछ ला दो, चली करो। हानी है कि नहीं? अरे भाई साहब गेंदा हो गया, लेकिन रवि को चप्पल पहनने नहीं आता। वो की रवि की ब्रश सील को जितना ब्रश का क्या हाल कर दिया। बस चल दीदी, दांत कितने चमकते हैं। नहीं मेरा छोटू सा प्यारा सा करेले कर ला, तुझे करेले भी बनाए दीदी। बहुत ही छोटू सा चैट कर जाऊंगा। यहाँ भी एक हुए, बहुत सारे हुए क्या भाई, बड़े बड़े हो गए। चलो ना करेला तोड़ दो। काका देखा भाई छुपा रुस्तम, पहला तो एक यहाँ पे, पापा भी फटाफट तोड़ रहे हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तोड़ो तोड़ो, छोटा वाला तोड़ दे रहा है। छोटू से लत में कितने सारे करेले हो गए। सारा सब्जी का देसी जुगाड़ से इंतजाम भी हो गया, घर की करेली आज खाने को मिलेगी। टकलू दादा तो ले लिया अपना सुबह सुबह का नाश्ता। टकलू नहीं बोलेगा, गजब बेइज्जती है। कौन सा रैकेट की डिमला बिस्की है, कौन सा लिप्टन लटा है, साथ पीऊंगा गरमा गरम चाय। क्यों नाचो भाई, लो भाई टुक टुक, तो भी एंजॉय करो। बिस्किट आलू का पराठा ही दे दो, तो बिस्किट खा लो। पकड़ो भाई पकड़ो भाई पकड़ो भाई, ये लो। चीटी के पंजे से बचा नहीं जा सकता है। बारी है बाबू लोग के दूध पीने की। मम्मा गोल मटोल भालू आए, जल्दी से आप दूध पिलाए। अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती है भाई साहब, ये तो मेरी उंगली चटकर जाएगी। छोटंकी सोने को यही बांध दी है नैना, कल ही रहना पसंद करती है इसलिए। एक बात है भाई, ये छोटंकी सोने बढ़ रही है कि नहीं बताना ही, इतनी की है, बड़ो तो भाई। ये देखो कितने पैर से खा रहे हैं। नंबर का भाई ये भी पेटू राम मिली और फटाफट चट करने लगे भाई साहब। सर्कस का करतब दिखाते पेट पूजा हो रही है, तो दोनों टांग पर खड़े हो गए भाई। मैं तुमको रोटी खिलाए, मुझे खुशी दो, खुशी दो। नहीं लुंगी डांस रे, लुंगी डांस, लुंगी डांस रे। अच्छा हो रहा भाई, या छम छम छम। पसंद है यमी यमी खट्टे मीठे गोले, आज बनने वाले हैं रवि के फेवरेट छोले। से छोले बनने वाले हैं, आलू को छीलेंगे यानी लंगा पुंगा करेंगे। अभी क्या ठूसा जा रहा है पेटूरा, मेरे पैर में ऐसे गुड़ खाता है भाई, पूरा चम्मच में सत्तू लगा कर। सुबह होते ही ये बदर कर देता है सैता टीवी को, और टकलू माइकल राजू को देख रहा है भाई। अरे मैं टकलू नहीं बोलेगा, मालूम है तेरे बाप को। फिलहाल तो भाई चलिए अपनी पेट पूजा कर लेते हैं यमी यमी छोले मुरमुरे के साथ। आज का हमारा यमी सा ब्रेकफास्ट। नन्नू भाई आई घर से कचरा निकाल। नहीं संक्रांति में बनते हैं यमी यमी लाडू, लेकिन अभी मुझे लगाना होगा पूरे घर में झाड़ू। नन्नू भाई होती है बहुत ही ज्यादा परेशान, घर में झाड़ू लगाना नहीं है उतना आसान। भाई करने लगी पूरे घर की साफ सफाई, सुबह सुबह मम्मी ने पूरे घर में लिपाई कर दी ना, तो उसी का जो गोबर है वो निकल रहा है, देखो कितने सारे कचरे निकल रहे हैं। हाथ जोड़कर प्लीज बोल रहा है भाई, राजू नहीं लगाओगे, यही देखो यही तो लगा दी रहा, तो दिन भर देखता रहेगा, बारे 2-2.5 तो यही बच जाएगी देखते देखते। 182 ये लो भाई, कल राजू लग गया। रिमोट में छुपा दूंगी बता देता हूँ, टीवी का रिमोट दी, हम लोग सेटअप बॉक्स से ही चला ले। चलो भाई चटोरा रास्ता करेगा कि नहीं, तो पहले जाती हूँ। टाटा भाई साहब, टीवी फोड़ देगा ये गधे का, फिर पापा इसको फोड़ देगी। इस पेटू राम को ढूंढा गली गली, वो भाई साहब मुझे इधर साइकिल चलाते हुए मिले। देखो टकलू साहब रोने लगा पापा के साथ जाने के लिए। गुलाबो को ले जाएगा भाई, फेंक दिया इसको। टाटा, तुम्हारे गुलाबो को भेज दूंगी।
भाई साहब तो चले गए भाई, अब उसकी गुलाबों को मेरे को ही लेके जाना होगा। ओ भाई भारी है भाई सच में, पीटू नाम का साइकिल सीधा क्यों नहीं रहता है, हमेशा गिरते बजरते रहता है। हमें पड़ता है डेली पछताना, क्योंकि हमें ही मिलता है काम बकरियों को चराना। पापा और नैना आते हैं, लेकिन आज तो पापा गए अपने काम पर, इसलिए इस पेटीराम बंदरिया के साथ मुझे आना पड़ा अपनी बकरियों को चराने के लिए। बकरियों चराते चराते बोर हो जाते हैं, दिन का एक ही काम। बात पर तो भाई इसे एक भारतीय दीदी की पप्पी बिल्ली चाहिए। कौन है भाई ये? ये हमारी प्यारी सी छोटी मेमो बाबू, आराम से तभी से मेरे गोद में बैठी हुई है। ये देखो कितने प्यार से बैठी हुई है। दो दिनों की तरह भाई आज भी देखो मौसम का सेम वही हाल है, धूप का नामो निशान नहीं है। लग रहा है कि अब बूंदा बूंदी थोड़ी सी हल्की वाली बारिश भी होने वाली है। अरे बाबू अच्छा लो लो लो, हरे हरे अमरूद के पत्तों को चट किया चार। अरे भाई खाने के लिए कहाँ चढ़ गए, इतने प्यारी एंड क्यूट सी है। जल्दी दो चटोरी कहीं की, चट कर जाओगी मेरे सारे पत्ते। बकरी थोड़ी हूँ जो तुम्हारा पत्ता चट कर जाऊंगी। मालिक हो गए खा नहीं पापा जी फोन तू चाय का ठीक कहा था तुमने खाया। मेरे लिए भाई कितना बचाया है, लोगों बचा के तुम किया क्या है? मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं खाता, मैं पहने रहा टूटी रहती। जो बचाया था उसमें भी एगो चट कर गई। इस पेटू नाम को दवा छोड़ूंगी। भागता है भाई साहब, किधर भागता है पेटू? छोड़ो कहीं को, किधर भागता है टकलू? मेरिया तो क्या बता दी, मैं नैना लाएगी मेरे लिए बैर वाली मेरी फेवरेट चटनी। तू तेरा से ये कर दिया, ऐसा क्यों किया चटोरा? तू कर दिया था, तू नहीं खाएगी। बंदर की तरह लटक रहा है साइकिल में। तो फटाक से अपना यम्मी सा लंच करते हैं। यूजुअल चावल दाल बनाया है, उसके साथ आलू बंद गोभी की भुजिया, लाल साग की भुजिया, और ये है कच्चू का चोखा। ये हमारा आज का सिंपल सा डिनर। ये कौन सा स्टाइल है आरती, पलंग के ऊपर ऐसे बैठ के खाना? ये स्टाइल बना है टीवी देखने के लिए। सामने जो भोजपुरी फिल्म है वो देखा जा रहा है। देखती है आरती, मम्मी भी देख रही है यहाँ पर खाना वाना बनाने के बाद आराम। पेटू राम तुम्हारा खाना खा गया? अच्छा भाई, पर भाई चटनी खा कर ये फिर फेंक दिया करते कहीं का? मैंने बैल वाला खाया पूरा फेंका इसका इसका। फटाक से लंच करते हैं, टीवी देखते देखते लगे हाथ मैं भी थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। क्या हाल कर दिया पूरे इस रूम का, वगैरह थे सब निकाल दिया आरती और मम्मी दोनों ने मिलकर। पूरा रायता क्यों फैलाया गया है भाई? अड्डे बनाने थे इसलिए मम्मी चुन चुन कर सभी पुराने कपड़े निकाल दिए। पूरे रूम में रायता फैला दिया, समेटोगी अब दोनों माँ बेटी बैठकर? इस पेटू राम के ही तो कपड़े सबसे ज्यादा है। कितना ज्यादा चमक रहा है भाई ये स्वेटर की। सोनी किधर घुसा जा रहा है, किधर खाना रखा हुआ है? और ये देखो महारानी घुस रही। पेटू राम को काटो तो भाई काटो, इसका टकला फोड़ दो, टकले में छेद कर देना। हमारा जितना भी कपड़ा है ना सभी को देखो, मम्मी बोरा में भर रही है क्योंकि सभी को दान में दे दिया जाए। इस टॉप का क्या हाल हो गया यार, मम्मी बोलिए पहनो। कहाँ से पहनू मैं ये टॉप, इतना ज्यादा टाइट होगा मेरे को। रवि को पहना दो मेरा टॉप। नैना ने किसका शर्ट पहन लिया, किसका है भाई? नैना ये मेरा छोटा हो गया ये शर्ट, कदी कही की ये शर्ट दे दो रवि को। स्कर्ट शर्ट सब निकाल लिया देखो, पुराने पुराने। मेरे घर में ऐसा ही होता है, जब भी कपड़े वगैरह निकाले जाते हैं तो पापा का पहनूंगा तो इनको छनंगा पा बन जाऊंगा, मेरा टाइट को हो रहा है। क्योंकि आप उल्लू के पट्टे देखा, तुम इतना कुछ अंदर पहना है उसके ऊपर शर्ट डाला है तो टाइट नहीं लगेगा भाई? अपुन का टाइम है दीदी, उसका पंगा ले लेगा, चड्डी निकाल लूंगा। ले लो भाई ले लो, ताई ताई सब्जियां ले लो। नहीं भाई पापा के साथ गए थे हटिया और ढेर सारी सब्जी वगैरह की शॉपिंग करके लाई। रानी बैठ गई है सभी सब्जी वगैरह लेकर बेचने के लिए। तू खाना ना दीदी तो निमकी से पिछू ना कदी कहीं का, एक बार तो नहीं होता दीदी पापा का था। खाएंगे बताओ तुम, ये सब छुट कर जाएगा तो पकौड़े नहीं खाए, निमकी दो दो। कौन कौन से सब्जियां लाई भाई, चलिए जानते हैं नैना से। छोटंकी बंदरिया आराम से पढ़ने बैठ गई और तुम दोनों चिलगोजे नहीं फैल रहे हो। देखो उसका सामान लेकर भाग गए, तो पढ़ाई नहीं कर रहा है, दूसरों का सामान लेकर भाग रहा है। चिलगोजे से प्यारी सी धन्ना भाई भी पढ़ाई कर रही है, उसका बैग भी। रुको रुको चिलगोजा रुको, दे दो चिलगोजा।